अलीनगर प्रखंड शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के काउंसिल से चयनित अभ्यर्थियों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि रद्द होने की बात पर बीपीआरओ ने अपना बयान डीवीएन न्यूज को दिया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। जहां एक तरफ प्रखंड प्रमुख वर्ष 2019-20 के शिक्षक नियोजन को रद्द करने की मांग कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ मजेदार बात यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पंचायती राज पदाधिकारी को नियुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए तिथि निर्धारित करने के लिए पत्र निर्गत किया है। गौरतलब हो कि प्रखंड प्रमुख सबिता कुमारी ने अपने बयान में यह जानकारी दी थी कि प्रखंड शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को रद्द किया गया है। एक बार फिर से इस बात को समझ ले, उन्होंने कहा था कि शिक्षक नियोजन को रद्द किया जाता है। वहीं 21 फरवरी को भी उन्होंने अपने पूर्व के दिए बयान में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सभी विषय में लापरवाही नजर आ रही है, मेरे हिसाब से तो पूर्णतः रद्द ही होना चाहिए। जबकि पंचायती राज पदाधिकारी ने केवल गणित विज्ञान विषय के नियोजन प्रक्रिया में अनियमितता को देखते हुए तत्काल उस विषय के चयनित अभ्यर्थियों के चयन प्रमाण पत्र पर रोक लगाने की बात कही है। उधर आज अलीनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में चयनित अभ्यर्थियों का तांता लगा हुआ था। वे लोग अपने नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने की तिथि की जानकारी लेने प्रखंड कार्यालय पर पहुंचे थे, तो इसको लेकर पंचायती राज पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि 26 फरवरी को अलीनगर प्रखंड सभागार में गणित और विज्ञान विषय को छोड़कर उसके अलावा अन्य सभी विषय के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र देने की बात की पुष्टि उन्होंने की है। रद्द नहीं किसी का किए थे हम लोग, अभी उसमें हम लोग जांच कर रहे थे तो उस समय में हम लोग को पता चला तो मैथ वाला में जांच कर पाया गया कि जो एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है कम रहने के बावजूद भी वो यूआर कैटेगरी में आ गई हैं और ज़्यादा मार्क्स वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जबकि ज़्यादा मार्क्स वाले को यूआर कैटेगरी में होना चाहिए और कम मार्क्स वाले को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इसके अलावा एक और टीचर का ये जो है सीटीटी प्रमाण पत्र वो दिसंबर 2019 का है, जबकि दिसंबर नवंबर 2019 तक का ही मान्य था, तो इस कारण से उसका भी नियुक्ति होना नहीं चाहिए था। और वो एक स्टूडेंट का जो मेधा सूची में गड़बड़ी है उसके कारण एक स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस में एक और स्टूडेंट का हो जाता है, जिसके कारण से मेधा सूची के इसमें अंतर आ रहा है, तो इसी कारण तत्काल इसको रोक लगाई गई है। इसमें बृहत मार्गदर्शन जिला शिक्षा पदाधिकारी से लिखा जा रहा है मार्गदर्शन। तत्काल किन किन विषयों पर रोक लगाई गई है? केवल एक विषय अभी गणित पे ही रोक लगाई है। प्रखंड शिक्षक का जो भी है उनको 26 तारीख को दिया जाएगा।